उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के गुडबा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक ने अपने दो बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली। राजधानी में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लखनऊ में चार मौत से मचा हड़कंप, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, पत्नी और दो बच्चों को खिलाया जहर, खुद पंखे से लटक कर दे दी जान। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड भरी सुबह में जब घना कोहरा छटा तो एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने हर किसी की रूह कांपकर रख दी। लखनऊ के पिंटू गुप्ता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पिंटू यही नहीं रुका, उसने अपने 5 साल की मासूम बेटे और 8 साल की लाडली बेटी को भी गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। आखिर में खुद पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। इन बच्चों का अपराध बस इतना था कि उनका पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इन बच्चों का कसूर सिर्फ इतना था कि आर्थिक तंगी के चलते इनके माँ बाप के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। दरअसल पिंटू गुप्ता अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ लखनऊ के कल्याणपुर में रहता था। पिंटू रेलवे से रिटायर छोटे लाल के यहाँ ड्राइवर था और उन्हीं के दूसरे मकान में रहता था। वहीं पिंटू की पत्नी आरती छोटे लाल के यहाँ खाना बनाती थी। पिंटू ने लोन लेकर एक ई रिक्शा भी खरीदा था। सुबह 9 बजे छोटेलाल के बच्चे स्कूल जाते हैं। पिंटू के नहीं आने पर छोटेलाल ने फोन मिलाया तो पिंटू का फोन बंद मिला। इसके बाद उन्होंने किराएदार आशुतोष और शनि से फोन पर पिंटू को देखने को कहा। दोनों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। और जब अंदर झांक कर देखा तो पिंटू फंदे से लटका मिला। पिंटू को पंखे से लटका देख पड़ोसियों के होश उड़ गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा। पिंटू ने खुद के चेहरे पर काला कपड़ा डालकर फांसी लगाई थी। कमरे में पत्नी और बच्चों का शव बेड पर पड़ा था। कैसे पता चला आप लोगों को? यहाँ पे कौन थे? पिंटू यहाँ पे क्या करते थे? पिंटू यहाँ पे मकान मालिक की गाड़ी चलाते थे, ड्राइव करते थे। क्या जानकारी मिली यहाँ पे? क्या जानकारी? वो सुबह आए थे अपने नातिन को छोड़ना था स्कूल, तो दरवाजा खटखटा रहे थे, दरवाजा नहीं खुला, तो वो उसके बाद सब लोग पूछने लगे क्या बात है। फोन पे मिलाया जा रहा था, फोन नॉट रिचेबल आ रहा था। फिर दरवाजा को थोड़ा पुश किया गया तो दिखा कि ये फांसी लगा लिए, लटक गए हैं, और इनके बच्चे और वाइफ सब तीनों लोग लेटे थे। कोई अंदर से रिस्पांस नहीं आ रहा था। बेटे की मौत से पिता हरिशंकर वर्मा हैरान है। उन्होंने इस घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि सब अचानक कैसे हो गया। इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था क्योंकि वो रात में अपने बेटे से मिलकर गए थे। सर सुबह हमें जानकारी मिली है। क्या लगता है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आखिर क्यों ऐसा किया, किस लिए किया ये? कभी बेटे ने कुछ आपको बताया? नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं। कल रात को हम खुद आए थे 9 बजे तक, हम रात को रहे, कोई ऐसी बात नहीं घटना घटी। संग में हम लोग खाना खाए, सब कुछ किए। कभी उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं। कल तो बता रहे हैं रात को सब पत्नी भी उसका बच्चे सब बैठ के खाना हम लोग साथ में खाए। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने कहा कि प्रथम दृष्टा से ऐसा लगता है कि पिंटू ने पहले अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मुंह दबाकर मारा, चूंकि इन तीनों के शव बिस्तर पर एक साथ पड़े हुए मिले। बाद में पिंटू ने छत पर लगे पंखे को तारा और उसके कुंडे में लटक कर आत्महत्या कर ली। पिंटू यादव नाम का, पिंटू गुप्ता नाम का व्यक्ति है। 32 वर्ष लगभग उम्र होगी और इसमें रहने वाला वाराणसी का है, जिसने अपनी पत्नी और दो बच्चों को, एक 6 साल और एक 8 साल के बच्चे को मारकर और खुद हैंग कर दिया है, और अपने मुंह पर काला कपड़ा डालकर और पंखे को खोलने के उपरांत उसी से अपनी को हैंग किया है। सुबह जब ऊपर रहने वाले व्यक्ति ने देखा है तो उसने फिर इन्फॉर्म किया इनके फादर को और पुलिस को। तत्काल यहाँ पर डीसीपी इस एरिया के, डीसीपी क्राइम, बाकी सभी अधिकारी और फील्ड यूनिट बहुत तेज आई थी।
और उनके सामने ही यूनिट के साथ ही खोला गया है। बाकी जांच पड़ताल चल रही है, यह देखना जरूरी होगा कि लखनऊ की इस दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को चौंका दिया है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। लखनऊ से गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।